चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस खतरनाक वायरस से अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इस वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कब इस खतरनाक वायरस का कोई वैक्सीन या फिर कोई दवा मिलेगी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से AZD1222 नाम की एक वैक्सीन बनाई जा रही है। इस वैक्सीन से शोधकर्ताओं को काफ़ी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि ये वैक्सीन शरीर के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने में मदद करती है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने के लिए इसी स्पाइक प्रोटीन को जकड़ता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन द्वारा बनाई जा रही इस वैक्सीन को सफल बनाने के लिए यूरोप के कई देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इकलौती ऐसी वैक्सीन है जिसके अक्टूबर महीने तक सफल होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल इस वैक्सीन का 800 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ट्रायल शुरू होने के साथ ही वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है, जिससे कि इस वैक्सीन के सफल होते ही जल्द इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।